सभी आ पीछे कौन है राजा पीछे कौन है चलो हम बिग बॉस देख रहे हो क्या नहीं समझ आए कौन सा आ रहा है मैम कुछ बता दीजिए आने वाले एक मिनट रुक जाए चार दिन पहले इस गाना ने रिलीज कर मी ऑन जी टीवी मंडे टू सैटरडे 7:30 PM मैम कुछ आपके रोल के बारे में कुछ मेरे रोल मेरा पार्ट मेरे कैरेक्टर का नाम है मासूम अलावर आई एम प्लेइंग मीस एल्डर सिस्टर एंड इट्स अ फन कैरेक्टर तो देखिएगा आप लोग बहुत ही अच्छा लग रहा है धीरे धीरे आई ऑन माय ओन सोशल मीडिया पेज एज वेल बट प्यार मिलना तो शुरू हो गया उस कैरेक्टर से और हम आपके फैंस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो इतना सपोर्ट आपको प्यार इतना मिल रहा है ये प्यार अभी एक अलग ही लेवल पर जा चुका है अभी जिस प्यार सेलिब्रिटीज को मिलता है बट एक ऐसे दौर से गुजरने के बाद जब प्यार मिले तो वो प्यार डेफिनेटली सच्चा प्रूव होता है एंड माई हार्ट इज रियली लाइक हम्बल्ड एंड आई एम टच्ड एंड आई कैन नॉट थैंक गॉड इनफ फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट और अगर आपको कहीं रियलिटी शो में अगर जाने मिले तो आप जाना चाहोगे आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट में जाऊंगी क्योंकि काविश अकेला है और जो मैं उससे वक्त दूर गुजारती हूँ यही मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज डूइंग अ टेलीविजन शो आई डोंट थिंक बिकॉज रियलिटी शो में आई हैव टू गो ओवरनाइट एंड यू नो गो फॉर डेज ऑन एंड एंड काविश के लिए इतने सारे लोग जब मिसिंग हो जाए उसकी लाइफ से जब एक 4 साल के बच्चे के लिए तो डिफिकल्ट होता है तो कुछ सैक्रीफाइस एज पेरेंट्स भी हमें करने होते हैं सो आई थिंक दिस विल बी माय थिंग फॉर काविश थैंक यू मैम थैंक यू